तो संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुई, जिन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरुआत आजादी के सिपाहियों को नमन करने के साथ की। उसके बाद उन्होंने कोरोना के दौर में वैक्सीन और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, वीओ चिदंबरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पूर्ण अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी सोच का परिचायक है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। माननीय सदस्यगण, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित